नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस प्रकार की ये जो सुराही का आप पार्ट देख रहे हो, ऐसे पार्ट्स मैं आप लोगों को सीएनसी टर्निंग मशीन पर बना करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने एक पार्ट बना रखे हैं, मैंने तीन चार जो है ये इस प्रकार के पार्ट जो है मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एल्यूमिनियम का मेटल है, इस एल्यूमिनियम के मेटल पे मैंने किस प्रकार से ये पार्ट बनाए हैं, इनका जो है वो पूरा वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टर्निंग मशीन में कैसे पार्ट बने। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद ही आपको मालूम होगा कि ये सुराही जो है ये किस प्रकार से बनी है। एल्यूमिनियम का मेटल है ये, और इसके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो आप लोग बना सकते हो और घरों के अंदर आप शोकेस में इनको जो है वो लगा सकते हो। और इस प्रकार से देखिए, आप इसके अंदर फूल वगैरह लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से गुलदस्ते वगैरह जो है वो इसमें आपके आ सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पार्ट, और ये सभी सीएनसी मशीन पे बने हैं, और इनका पूरा वीडियो आप लोग जो है वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीएनसी टर्निंग मशीन पर प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो सुराही का प्रोजेक्ट है हमने कैसे बनाया। तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर चल रहा है एक सीएनसी सिमुलेटर है, उसमें टूल चल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो कम्प्लीटली आपने इस वीडियो को वॉच करना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा जो पार्ट है वो बनेगा, और ये हमारी जो मशीन है ये है हमारी सीएनसी टर्निंग मशीन। तो कम्प्लीट ये जो है पार्ट बनाने के लिए, चलिए हम लोग मशीन का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारी टर्निंग मशीन के अंदर मैंने एल्यूमिनियम का जो जॉब है वो मैंने लगा दिया है, और मशीन जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो मशीन जो धीरे धीरे इस पार्ट को जो है वो कैसे बनाएगी, ये प्रोसेस आपने कंप्लीट देखना है। इस पार्ट को बनाने के लिए मैंने जो रॉ मटेरियल लिया है वो मेरा 25 mm का जो डायमीटर है एल्यूमिनियम का रॉड है, और लंबाई उसकी जो है वो मैंने 110 mm की रखी है, और ताकि आपका जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बन जाए। और जो मैंने प्रोग्राम जो बनाया है इसका, वो G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के अंदर मैंने इसका प्रोग्राम बनाया है। और आपका जो टूल है वो धीरे धीरे जो है वो मेटल को काट रहा है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चिप्स जो है वो लगातार निकल रहे हैं। इसके अंदर मैंने कूलेंट इसलिए नहीं स्टार्ट किया है कि मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, तो मतलब जो है वो मैंने कूलेंट इसमें नहीं चलाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर जो टूल चल रहा है, सेम वैसा ही प्रोसेस जो है वो मशीन के अंदर हो रहा है। तो ये वाली जो मशीन है इसके अंदर एक एडवांस जो है वो सिस्टम दिया गया है, इसमें सीएनसी सिमुलेटर सिस्टम भी इसमें जो है वो दिया हुआ है। तो कटिंग टूल आपका जो है वो मटेरियल को रिमूव कर रहा है आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से मेटल जो है वो आपका रिमूव हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जो है वो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के अंदर आपका जो पार्ट है वो तैयार हो रहा है। पैटर्न रिपीटिंग साइकिल जो होता है वो G73 का कोड होता है, और इसके अंदर आपका जो पार्ट होता है उसी प्रोफाइल के आधार पर ही जो है वो आपका जो मशीन है वो वर्किंग करता है। जो आपका प्रोफाइल है, जिस प्रकार से आपका पार्ट है, सेम उसी ड्राइंग के ऊपर पहले हवा में वर्किंग करता हुआ धीरे धीरे मेटल को जो है वो काटता रहता है। तो ऐसे साथी जिनको G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का जो प्रोग्राम है वो नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल के अंदर जा कर के और उसको सर्च कर सकते हैं। G73 पर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, पहले भी मैंने प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाया गया है। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय पर हमारे इस चैनल के ऊपर आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनके अंदर आप जो है वो पूरी कम्प्लीट प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, और प्रैक्टिकल भी आप लोग जो है वो आराम से देख सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा जो पार्ट है ये लगभग जो है वो आधा बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टूल जो है वो आपका लगातार वर्किंग करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जो कटिंग टूल है वो हमने जो है वो रेडियस ग्रूविंग का जो टूल है इसमें मैंने इस्तेमाल किया है। आप लोग जो है भी इस वाले पार्ट को आप
VNMG इंसर्ट से भी आप बना सकते हो। तो मेरे पास में मैंने इसको न्यूट्रल टूल को यूज़ कर लिया, तो अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है और लगातार आपके जो चिप्स है वो कट रहे हैं। तो धीरे धीरे ये करते हुए ये हमारा जो पार्ट है ये लगातार हमारा तैयार हो जाएगा और आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल करना सीख भी जाएंगे। तो दोस्तों लगभग हमारा जो टूल है उसने बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख ही रहे हैं आपके सामने किस प्रकार से जो है वो मशीन का जो स्पिंडल है वो लगातार घूम रहा है और आपका जो मशीन है यहाँ पर ये देखिए मशीन के अंदर बहुत सारे बेल्ट लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो बेल्ट के द्वारा जो है वो आपके जो एक्सिस है उसकी मूवमेंट हो रही है। एक्सिस जो है आपके एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर ये एक एक्सिस मोटर यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे, और जो पीछे आपने देखा था वो जेड एक्सिस को कंट्रोल कर रहा है। और ये मशीन की स्पिंडल सर्वो मोटर है, तो लगातार जो है वो सर्वो मोटर जो है वो हमारे स्पिंडल को घुमा रही है और ऑटोमेटिकली जो है वो वर्किंग करवा रही है। मशीन के अंदर आप लोग जिस प्रकार से देख रहे हो कि टूल लगातार जो है आपका टूल है वो वर्किंग कर रहा है और धीरे 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 जो है वो अपनी फाइनल शेप के अंदर जो है वो पहुंच रहा है। तो जो सुराही होती है, सुराही का आकार हम लोग बना रहे हैं मशीन के अंदर। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग आसानी से बना सकते हो। आपको प्रोग्राम अगर आपको बनाना आता है तो आप जो है वो सही कटिंग टूल का सिलेक्शन करके और आसानी के साथ में जो है वो आप इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो आप बना सकते हो। तो दोस्तों CNC मशीन में प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप मेरे द्वारा ऑनलाइन जो है वो प्रोग्रामिंग है आप सीख सकते हो। और आप लोग अगर इस प्रकार की प्रोग्रामिंग सीखते हो तो आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना होगा और कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आ सकते हो और आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हो। तो देखिए किस प्रकार से जो है वो लगातार हमारा जो पार्ट है वो बन रहा है और आसानी के साथ में जो है वो मेटल को रिमूव करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये एल्युमिनियम का है और चक का जो प्रेशर होता है एल्युमिनियम के ऊपर हम लोग जो है वो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग रखते हैं। और आपका जो अभी जो मैंने स्पिंडल की जो स्पीड है वो 1000 RPM पे मैं इसको, तो दोस्तों इसमें जो मैंने फीड यूज़ करी है 0.15 mm पर रिवोल्यूशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पर फीड जो है वो मैंने मशीन में दे रखी है। तो mm पर रिवोल्यूशन का हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है। तो काफ़ी अच्छा पार्ट जो है वो बनने को बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार होने वाला है और आप देख सकते हो कि फाइनल प्रोफाइल की ओर हमारा जो पार्ट है वो हमारा पहुंच गया है। कटिंग टूल जो है वो लगातार मटेरियल को रिमूव कर रहा है और लगातार जो है वो आपका पार्ट जो है वो सही तरीके से जो है हम लोग इसको बना रहे हैं। तो हमारा जो पार्ट है वो लगभग कम्प्लीट होने वाला है और कम्प्लीट होने के बाद में जो है वो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और आपको मैं मैच करवाऊँगा कि किस प्रकार से जो है वो आपका पार्ट जो है वो बनेगा। तो इस पर पार्ट को जो हमारे जो CNC के ऊपर जो है वो ऑपरेटर हमारे जो बना रहे हैं मिस्टर बाजीराव जी हैं और बड़े ही आसान तरीके से जो है वो इन्होंने अच्छे से मेहनत करके प्रोग्रामिंग सीखी है। तो आप भी जो है वो एक 12th पास लड़के ने इतनी प्रोग्रामिंग सीख ली है तो आप भी जो है वो सीख सकते हैं। तो लगातार जो है मशीन ने काम करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि मशीन जो है वो बिल्कुल फाइनल प्रोफाइल पर जो है वो कंपोनेंट को ले गई है और आपका सुराही का जो आकार है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और अभी कुछ ही सेकंड में आपका जो मशीन है वो बंद हो जाएगा। तो मशीन ने पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जो है वो आपका पार्ट बन गया है और इसको अब हम लोग जो है वो बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो बड़ी सेफ्टी से हमने पार्ट को बाहर निकाला, ये कम्प्लीट प्रोसेस आप देख रहे हो स्क्रीन पर हो गया है और हमने यहाँ से जॉब को बाहर निकाल लिया। वो बाहर निकालने के बाद में बाजीराव जी आपको चेक करवाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो पार्ट है वो बना है। देखिए बाजीराव जी मैच करवा रहे हैं इस पार्ट को मशीन के साथ में और बिल्कुल स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।